लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी नेताओं का अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ नज़ारे सामने आए पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से, जहां अग्निमित्रा पॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार करने में लगी है। चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल अनोखा अंदाज अपनाते हुए बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल अपने कार्यकर्ताओं समेत लोकल ट्रेन में पहुंच गए। उन्होंने रेलवे स्टेशन के साथ साथ ट्रेन में सफर करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी के लिए प्रचार किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। हमारे प्रचार चल रहे मोदी जी के लिए, मोदी जी को तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री बनाना है और आज मेदिनीपुर लोकसभा के हम प्रार्थी है भाजपा के, तो आज हर दिन प्रचार होता है, तो आज सोचे कि लोकल ट्रेन में प्रचार करेंगे, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिसमें लोग यातायात करते हैं, और खड़गपुर से जो बाकी जो रूरल गांव का जो विलेजेस है वो सारे में ये लोकल ट्रेन जाते हैं, तो आज वही लोकल ट्रेन में हम चढ़े हैं, हमारे सारे युवा भाई लोग चढ़े हैं और सारे कार्यकर्ता लोग एक साथ प्रचार करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे। उधर जाके दातून में एक बड़ा सा हाट बैठता है, हाट माने बंगाल में जिसको बाजार बोलता है, वीकली ये टेम्पररी हाट है बाजार, तो सारी चीज वहाँ मिलता है मेला का जैसा बहुत बड़ा, तो वहाँ भी जाएंगे ट्रेन से उतर के और वहाँ पर जन संयोग होगा, और उसके बाद फिर हमारा चार कार्यकर्ता को कल रात टीएमसी के गुंडा लोग लोहा का रॉड लेकर बहुत मारे हैं और हॉस्पिटलाइज है, उनका परिवार के साथ भी मिलने जाएंगे। जो सभा है सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सभा है वो रैली बीजेपी वर्ग का जो गाड़ी आ रहा है, तो उसमें दुर्गापुर जो जीबीटी मोड है तो हमला हुआ है बीजेपी वर्ग पर, क्या बताइए? देखिए सिर्फ दुर्गापुर का बात आप कर रहे हैं, सिर्फ दुर्गापुर नहीं, कल रात को भी यहाँ पर हमारे एसटी मोर्चा के जो सभापति है उनके ऊपर और उनका चार कार्यकर्ता के ऊपर इतना खतरनाक हमला हुआ है, लोहे के रॉड देकर उनका सर फोड़ दिया गया और अभी वो उड़ीसा में बालासोर में भर्ती है। पश्चिम बंगाल का इतना उन्नयन हुआ है कि अस्पताल में भी आप जाकर चिकित्सा नहीं करा सकते, आपको बगल वाला राज्य उड़ीसा में जाना पड़ता है, तो बालासोर में वो भर्ती है। और इसके आगे भी दो दिन पहले मोयना में हमारा कार्यकर्ता को मर्डर कर दिया, कुछ बिहार में हमारा मंत्री निशित प्रामाणिक उनके ऊपर हमला हुआ, एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर जब हमला होता है आप सोच सकते हैं कि हमारा जो ग्राउंड लेवल वर्कर है, हमारा जो बूथ का लोग है उसका क्या सिक्योरिटी है, उसके ऊपर क्या बीत रहे है? आप ये समझ सके। कल अमित शाह गारंटी हो रहा है कि अमित शाह के उद्देश्य से डायमंड हार्बर में मेरा एजेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम हारे तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। हम अभिषेक बनर्जी को चैलेंज करते हैं, आपको अगर दम है तो मेदिनीपुर आके मेरे सामने आप लड़ाई कीजिए, आपका वोट बैंक है 30% माइनॉरिटी, उसलिए आप डरपोक की तरह आप डायमंड हार्बर गए हैं। आपको अगर आप लोग इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं ना कि भाजपा कम्युनल पार्टी है, आपको अगर दम है तो मेदिनीपुर आके आपका पिशिमा बुआ जी जैसे भागकर नंदीग्राम से भागकर भवानीपुर आ गए थे कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर बनके, तो आप भी भागकर मेदिनीपुर से भाग जाएंगे। आप देख देख कर डायमंड हार्बर चुने हैं क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट 50% के ऊपर माइनॉरिटी है, तो दम है अभिषेक बनर्जी, मेदिनीपुर आकर लड़िए, उसके बाद देखेंगे अमित शाह जी आएंगे कि नहीं।